सरकार के मदरसों का सर्वे कराने के विरोध में अब बसपा प्रमुख मायावती भी सामने आ गई हैं। शुक्रवार को उन्होंने इसको लेकर लगातार दो ट्वीट कर भाजपा और सरकार को निशाने पर लिया। मायावती ने कहा कि भाजपा सरकार में मुस्लिमों के दमन और आतंकित करने का खेल जारी है। इसके पहले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और कई मौलवी मौलानाओं ने भी विरोध किया था। ओवैसी ने तो यहाँ तक कहा था कि आप मदरसों पर शक क्यों कर रही हैं। दरअसल यूपी की योगी सरकार ने 30 अगस्त को एक आदेश जारी कर मदरसों के सर्वे का निर्देश दिया था। सरकार ने सभी जिलों के DM से कहा था कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करवा कर सरकार को बताए। यूपी सरकार ने राज्य के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे 5 अक्टूबर तक कराने के निर्देश DM को दिए हैं। मायावती ने पहले ट्वीट में लिखा है कि मुस्लिम समाज के शोषित, उपेक्षित और दंगा पीड़ित होने की शिकायत कांग्रेस के समय में आम तुष्टिकरण ने नाम पर संकीर्ण राजनीति कर सत्ता में आई भाजपा की सरकार में भी इनका दमन और आतंकित करने का खेल जारी है। यह बेहद निंदनीय है। इसी के साथ दूसरे ट्वीट में लिखा कि इसी क्रम में यूपी में मदरसों पर भाजपा सरकार की नज़रें टेढ़ी हैं। मदरसा सर्वे के नाम पर कौम के चंदे से चलने वाले निजी मदरसों में हस्तक्षेप का प्रयास अनुचित है। कोशिश सरकारी अनुदान से चलने वाले मदरसों और सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने की होनी चाहिए। जमीयत उलेमा ए हिंदू के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना अशहद रशीद ने गुरुवार को लखनऊ में मदरसों के सर्वे पर कहा कि इनकी स्थापना हमारा संवैधानिक अधिकार है, इसकी सुरक्षा के लिए हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। रशीदी ने कहा कि मुसलमान निराश न हो, इतिहास से सबक लें। इतिहास में बड़ी बड़ी ताकतें आई और चली गई। यूपी में मदरसे का सर्वे का काम 5 अक्टूबर 2022 को पूरा होना है। सभी DM 25 अक्टूबर तक सर्वे का डाटा यूपी शासन को उपलब्ध कराने होंगे। इसके लिए 10 सितंबर 2022 तक सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे के लिए टीम का गठन होना है। प्रदेश के सभी जिलों के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कर एक निर्धारित समय सीमा में एक निर्धारित फॉर्मेट में सरकार को डाटा देने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट IPNA।